हिमालय की तलहटी और शिवालिक पर्वत के मध्य उत्तराखंड की राजधानी के रूप में जानी जाने वाली देहरादून घाटी में आपका स्वागत है। साहित्य की संरचना, कविताओं की मिठास, कहानियों की रोचकता और उपन्यास में समाज की व्याख्या, इन सब से मिलकर बनती है लेखकों की दुनिया। ये दून घाटी 17 से 19 नवंबर 2017 को शब्दों की घाटी में बदलने जा रही है, जहां वैली ऑफ वर्ड्स अंतरराष्ट्रीय कला एवं साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कलम की धार तलवार से भी धारदार घाव करते हैं, यह हम सभी जानते हैं। लेखक समाज का आईना होता है और कवि को तो भविष्य दृष्टा के रूप में जाना जाता है। इसी कला के जरिए लेखकों के मोती रूपी शब्द कागज पर कविताओं, कहानियों और उपन्यासों अथवा अन्य साहित्यिक रचनाओं के रूप में उतर आते हैं। देश विदेश से आए कलम के ये जादूगर एक साथ एक मंच वैली ऑफ वर्ड्स में एकत्रित होंगे एवं कला तथा साहित्य के विभिन्न विधाओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस मंच पर श्रोता और दर्शकों को थिएटर, संगीत, फोटोग्राफी एवं अन्य कलाओं को समझने का भी अवसर मिलेगा। वैली ऑफ वर्ड्स शिवालिक हिल्स फाउंडेशन ट्रस्ट की एक पहल है। वैली ऑफ वर्ड्स साहित्यकारों, पाठकों, रचनात्मक विचारों एवं कलाकारों के बीच वार्तालाप, विचार विमर्श, वाद विवाद के लिए एक कड़ी का काम करता है। आर्ट फेस्टिवल के मानद सलाहकार संजीव चोपड़ा बताते हैं कि इस उत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के विविध लेखकों, विचारकों, कला पारखियों को एक मंच पर लाना, नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित करना, लेखन व पाठन के प्रति जनमानस के बीच रुचि उत्पन्न करना है। The idea behind Value of Words is that it is not a literature festival confined to a set of authors for a city. Value of Words is a celebration of literature. It's a celebration of life. It's a celebration of all forms of art. And when we say word, we don't mean the written word. It's the written word. It's the oral word, it is literature, it is blogging, it is puppetry, it is films, it is theatre. So everything that is creative, a word actually is a creative expression. So the value of words celebrates all creativity. It celebrates literal thinking. It celebrates discussion. It celebrates argument. It celebrates non-conformity. It celebrates discussion. Words, जब ये संपन्न होगा और लोग इससे रूबरू होंगे, तो वो महसूस करेंगे कि वैली ऑफ वर्ड्स एक बिल्कुल अलग पहचान बनाएगा अपनी, क्योंकि लिटरेचर के जितने पहलू हो सकते हैं वो तो इसमें समाहित हैं ही। पूरा का पूरा आयोजन है, इसको लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। ये जो साहित्यिक आयोजन होते हैं, ये भी एक कुंभ है। सब लोग जाते हैं, कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बोलेंगे, चले आएंगे, लेकिन वहाँ मिलना जो होता है, जो समागम है, लोगों को देखना, जो हमारे प्रिय लेखक हैं उनको जानना समझना, उनको देखने भर से ही बहुत अच्छा लगता है। आज भी न जाने कितने लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमने महात्मा गांधी को देखा था, हमने जवाहरलाल नेहरू को देखा था। अरे देखने भर से ही क्या हो जाता है, देखने भर से भी बहुत कुछ होता है। तो ये भी एक बात, इस तरह के आयोजन हमें देते हैं। देहरादून में 3 दिनों तक चलने वाले इस कला उत्सव को 4 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जिसमें हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, समकालीन साहित्य, आरएसटी फोरम और मिलिट्री हिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजिक थॉट जैसे 4 चीजें होंगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो द बैकग्राउंड टू द वॉर एंड व्हाई द वॉर स्टार्टेड, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ। The citizens of East Pakistan, on the concept of one vote, one person, one vote, won a landslide victory, which meant that the Prime Minister of Pakistan, the President of Pakistan, the many ministers would all be from what is now Bangladesh, that is East Pakistan. This West Pakistan was not prepared to accept. They launched a blitzkrieg against the citizens of East Pakistan. They slaughtered over 1 million citizens of East Pakistan. They raped women and young girls. 10 million refugees crossed over to India, causing a huge problem. We had to feed them, we had to clothe them, we had to give them medical attention.
It was a security problem. This Valley of Words is a very noble project, a maiden project by the Shivalik Hills Foundation. I think it's a very well-timed initiative in a city like Dehradun, which is known not only for its military traditions, and of course, home to a large number of authors and writers. And so it's truly a multicultural, multi-genre festival, and multilingual, you know, and from puppetry to literature. It's got sessions like on strategy and military history. It's got puppetry. It's going to be a very interesting, you know. And I'm going to be involved in two sessions. One is on the tradition of valor in our strategic culture. One of the most decisive wars that probably the world has seen in the last century was the 71 war, and our role in having how we got about, you know, liberation of a new country, of a new and the role of India. And that will be a very interesting session. हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही स्तरों में अनेकानेक वरिष्ठ एवं नवोदित कलाकार अपनी कथाओं, कहानियों व कविताओं का जादू बिखेरेंगे। किताब है ये ओशन ऑफ चर्न यानी समुद्र मंथन। तो इसमें मैंने क्या किया है कि भारत का इतिहास और जो ये जो महासागर है उसको मैंने, उसके इतिहास को मैंने सामुद्रिक दृष्टिकोण से मैंने बताया है। तो आप जो जब हम भारत के इतिहास को टेक्स्ट बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दिल्ली के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत के इतिहास को अगर हम परखें तो उसमें आप सामुद्रिक दृष्टिकोण को बिना सोचे समझे आपको भारत के इतिहास को समझ में ही नहीं आएगा। सो आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग एट द वैल्यू ऑफ वर्ड्स एट द इवेंट एंड स्पीकिंग अबाउट माई बुक्स, particularly my book The Ocean of Churn, which is a maritime history of India, and perhaps even discussing my forthcoming book on satire. Valley of Words is a very commendable effort they are making. In fact, aajkal literary festivals jo ho rahe hain, they are an order of the day. रोज ही आप हर महीने देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिटरेरी फेस्टिवल होता है जो कि राइटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है बिकॉज दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो टॉक अबाउट देयर नॉवल, टॉक अबाउट देयर बुक्स एंड वैली ऑफ वर्ड्स इज डिफरेंट बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम देहरादून में हो रहा है और इस रीजन में पहले कोई है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत से राइटर्स को अपना स्किल दिखाने का, अपने नॉवेल्स दिखाने का, अपने बुक्स दिखाने का, पोइट्री दिखाने का एक ऐसा मौका मिलता है और राइटर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारी किताब एक ड्रीम कैचर बुक ऑफ पोएम्स है, ये हो गए एक दो साल जब निकली थी तो उसमें से पढ़ने वाली हूँ मैं। वैली ऑफ वर्ड्स में कविताएं पढ़ने वाली हूँ, अंग्रेजी में लिखती हूँ। शब्द के प्रति बहुत ही समर्पित जगह है और ख़ास तौर से याद आता है कि वहाँ बड़े बड़े लोग जो हैं, जो बड़े लिखाड़ी थे, वो लोग वहाँ बसे। एम एन रॉय वहाँ बसे, राहुल सांकटेन उसके पास आते रहे और बहुत सारे दुनिया भर के लोग जो हैं। और जो पूरी दून वैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज तक तो राजनीतिक दृष्टि से पता नहीं कैसे देखते हैं लोग, लेकिन कई अन्य कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक कारणों से महत्वपूर्ण है, माइथोलॉजिकल कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरह से वो द्वार है पूरे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करने का। आप हिमालय के मध्य में आ जाते हैं तो चाहे आप दक्षिण जाएं चाहे पूर्व जाएं, तीसरे स्तर में आरएसटी फोरम होगा जिसमें कृषि, जलवायु परिवर्तन, पहाड़ी वातावरण और वहाँ के लोगों के रहन सहन और रोजी रोटी के बारे में चर्चा होगी। चौथे सेशन में मिलिट्री हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक थॉट है जिसमें विक्टोरिया अवार्ड्स, इंडियाज़ रोल इन पुलिस एंड ह्यूमन राइट्स पर विचार विमर्श किया जाएगा। I'm really excited about the fact that Valley of Words is taking place in Dehradun because I've had a lot of connection with Dehradun. My father was
in RIMC, Royal Indian Military Rashtra Indian Military College, and then he was the head of IMA, Indian Military Academy. And so I feel a close connection with the army and with Dehradun, and I think it will be a very, very good event. My book is called The Victoria Cross, A Love Story, and it's really about the army and my parents. मुझे अच्छा लगा यह सुनकर कि इस प्रकार का राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होने जा रहा है, कार्यक्रम होने जा रहा है. मेरे लिए भी हर्ष का विषय है कि मुझे इसमें भागीदार बनाया जाएगा. उसके लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ. It will be the best program, biggest, largest literary festival of Dehradun, और समझती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया होगा. बहुत राइटर्स दूर दूर से आ रहे हैं इसके लिए. फोटोग्राफर्स भी है, आर्टिस्ट्स भी है, और अलग अलग लोग भी है जो गवर्नमेंट से भी आ रहे हैं. तो आई थिंक इट विल बी द बेस्ट प्रोग्राम. पाठक और लेखक के बीच की दूरी कम होती है, संवाद का अवसर होता है. अच्छा एक प्रयास मानता हूँ मैं, और इस तरह का ये जो फेस्ट है वैल्यू वर्ड्स, ये भी बहुत अच्छा प्रयास है कि इसमें कम से कम सारे लेखक एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लेखक एक साथ आते हैं तो उनमें आपस में संवाद होता है. साथ ही ऐसे मौकों पे हम सीधे पाठकों से जुड़ पाते हैं. एक तो लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. अभी बहुत से लिटरेरी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बहुत होने चाहिए, बहुत जगह पे होने चाहिए. बहुत छोटे छोटे गांव हैं, जो देहरादून छोटा गांव नहीं है समझता हूँ, मगर फिर भी दिल्ली और मुंबई के से छोटा गांव है. ये जगह पे भी लोग को कुछ लिटरेरी फेस्टिवल का असर पड़े, उनसे कुछ फायदा मिले, ये बहुत अच्छी बात है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे देहरादून में लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है. और ये फेस्टिवल में मैंने देखा उनका प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम है. ये बहुत सी चीज के बारे में बातचीत होगी, नई नई किताबें निकली इसके बारे में बातचीत होगी. वैली ऑफ वर्ड्स चोपड़ास की एक प्रस्तुति है, जिसके स्पॉन्सर्स ONGC, SREI, ब्लू स्टार, टाइटन एवं गेल हैं, और पार्टनर्स TV100 न्यूज चैनल, अमर उजाला, मधुबन ग्रुप ऑफ होटेल, सींगो, द बुक नर्ड्स, USI, गढ़वाल पोस्ट, इंडी ब्लॉगर, द पंच मैगजीन, दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर हैं. ये उत्सव साहित्य जगत में एक नया आयाम साबित होगा, जिसमें किताबों के साथ साथ कला प्रदर्शनी भी शामिल है. 17 से 19 नवंबर 2017 तक होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव में प्रसिद्ध फोटोग्राफरों द्वारा फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है. प्रदर्शनी के दौरान देहरादून के लोगों को उनकी सोच से रूबरू होने का मौका मिलेगा. कलम की स्याह पर बिखर जाते हैं यूं शब्द, जैसे सागर से मोती को ढूंढ रहा हो लेखक.